शिक्षक संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर शुक्रवार को जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। धरना के बाद शाम 4 बजे रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, यहां मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि संगठन के संघर्ष से ही शिक्षकों ने अन्य कर्मचारियों से पृथक वेतनमान पाया है, जो आज भी शासन प्रशासन की जलन का कारण है। इसलिए अफसरों ने सरकार के माध्यम से कई सारे वर्ग संवर्ग बनाकर हमको बांट दिया है। शिक्षकों को अन्य कार्यों में लगाकर समाज में कामचोर घोषित करने की स्थिति पैदा की है। शिक्षकों का शोषण और सम्मान छीना है और आंदोलन करने पर समाज के सामने बदनामी करती है। हमारी मांगे न्यायोचित और सरकार की क्षमता में है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे अंदर झांक के देखें तो हम कल्पना कर सकते हैं कि जिले में 7000 हमारे शिक्षक कार्यरत। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर पूरे प्रदेश के 52 जिलों में 3 सूत्री मांगों को लेकर के आंदोलन था। पहले हमारी मांग थी 30-35 साल से एक ही पद पर कार्य करने वाले सहायक शिक्षक, शिक्षक प्रधान पाठक, व्याख्याता, प्राचार्य, संचालक, उप संचालक, इनको अपग्रेड करके वेतन मान के अनुरूप परिणाम दे। शासन की ऐसी नीति भी है और इसे गृह विभाग ने इसको लागू भी किया है। दूसरी हमारी मांग है कि 2005 के बाद में लगे समस्त कर्मचारियों को NPS दी जा रही है, जो लाभदायक नहीं है, उनकी सामाजिक सुरक्षा नहीं होती उससे, तो उनको OPS बहाल की जाए। तीसरी हमारी मांग है कि हमारे सभी कर्मचारियों को केंद्रीय वेतनमान यथावत मिले, गृह भाड़ा भत्ता नए वेतनमान की संरचना में मिले, हमारे गुरुजियों को नियुक्ति दिनांक से वेतनमान वरिष्ठता मिले और हमारे शिक्षा विभाग में जो क्रमोन्नति रोकी हुई है उसको बहाल किया जाए। इसके बाद भी अगर समस्या का निराकरण नहीं होता तो आगामी क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए, हमारे प्रांताध्यक्ष जी ने कहा है कि यदि 1 महीने तक हम रास्ता देखेंगे, यदि हमारी समस्याओं का निराकरण होता है तो ठीक है, अन्यथा हम क्रमिक हड़ताल के लिए बाध्य होंगे और प्रदेश के सभी जिलों में हमारा ये जिले से हमारा आंदोलन प्रदेशव्यापी चलता रहेगा। क्या नाम है? रमेश चंद्र पांडेराज, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला खरगोन। संघ के प्रांतीय आह्वान पर समस्त 52 जिलों में एक साथ 3 चरणों में इन 3 सूत्री मांगों को लेकर बहाल कराने की योजना है। पहला चरण था हमारा 7 तारीख को विकासखंड स्तर पर, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आज हम 11 मार्च को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा। आज के ज्ञापन में हमने प्रदेश सरकार से और शासन प्रशासन से ये उम्मीद करी है, ये आशा रखी है कि 1 माह में हमारी इन मांगों का निराकरण करें, अन्यथा 1 माह की सूचना के पश्चात, आज हमने सूचना दे दी, इस 1 माह के पश्चात हम लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्रमिक धरना करेंगे। जब तक हमारा ये धरना जारी रहेगा, जब तक इन मांगों का समाधान कारक हल नहीं निकलता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।